नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनटैक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कब जरूरी है, कब कंपलसरी है, ठीक है, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है, और अगर आपने ड्यू डेट पर रिटर्न नहीं फाइल किया तो उनकी उसकी अंतिम तारीख क्या है, कब तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और अगर आपने रिटर्न फाइलिंग लेट किया, ड्यू डेट के बाद किया, तो आपको कितनी लेट फाइलिंग फीस जो है भरनी पड़ सकती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डेट। तो इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 18-19 की जो रिटर्न है, उसकी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख है, वो है 31 मार्च 2019। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 18-19 जो है वो ख़त्म होगा 31 मार्च 2019 को। तो आपको जो है रिटर्न फाइल करना है वो असेसमेंट ईयर के एंड तक करना है। तो 18-19 असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019, तो इसलिए इनकम टैक्स का जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2019। अब असेसमेंट ईयर 18-19 जो होता है वो होता है एक्चुअल ईयर 17-18। तो इनकम टैक्स में एक साल आगे हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं, मतलब 17 ईयर ये साल का रिटर्न होता है एक्चुअली में 17-18 का, ठीक है, बट उसे हम लोग कहते हैं असेसमेंट ईयर 18-19, ठीक है। तो उसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं आप 31 मार्च 2019। तो अगर आप लोग अभी तक रिटर्न नहीं फाइल किया आपने, तो आप 31 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि रिटर्न फाइल करना कब अनिवार्य है, कब कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि अगर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, तो आपको लेट फाइलिंग फीस नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल की, बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल HUF की, ठीक है, क्योंकि कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और LLP, ठीक है, इनके केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है, भले ही कंपनी में, फर्म में लॉस हो या बिजनेस कुछ भी ना हो, ठीक है, या कोई भी इनकम हो, ठीक है, हर केस में उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। अब उनके अलावा दोस्तों इंडिविजुअल HUF की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल HUF को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी कब है, अगर उनका ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उनका जो है बिजनेस इनकम है मान लीजिए 3 लाख रुपए, ठीक है, और मिस्टर ए जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉन सीनियर सिटीजन है, तो उनका ग्रॉस टोटल इनकम है 3 लाख। अब इसमें से वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चे का स्कूल फीस, मेडिक्लेम, ये सब भरते हैं 1 लाख रुपए मान लीजिए, तो 3 लाख ग्रॉस टोटल इनकम है। ग्रॉस टोटल इनकम में से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको वो माइनस हो जाते हैं, जैसे 1 लाख रुपया, तो 3 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएगा, बचेगा 2 लाख। तो 2 लाख होता है उसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम। तो टैक्स जो निकलेगा वो 2 लाख पे निकलेगा, बट यहाँ पे हमको टैक्सेबल इनकम नहीं देखना है, यहाँ पे हमको देखना है ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि हमारे एग्जाम्पल में 3 लाख है, ठीक है। और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए जो टैक्स नहीं लगता है, वो छूट की जो सीमा है वो है 2,50,000। तो दोस्तों इनका ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख है, इनकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है तो इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मतलब जरूरी है रिटर्न फाइल करना। अब ये महाशय बोलेंगे कि मेरा तो टैक्सेबल इनकम 2 लाख ही है, मेरा टैक्स तो आएगा नील, तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं। तो दोस्तों आप सही कह रहे हैं, आपका टैक्स नहीं बन रहा है, बट नियम कहता है कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर नहीं फाइल करेंगे, भले आपका टैक्स नहीं बनता हो, ठीक है, तो अगर आप नहीं फाइल करेंगे तो आपको जो है इनकम टैक्स का जो लेट फाइलिंग फीस है ये सब आपको लगेगा, ठीक है। तो आपको देखना है ग्रॉस टोटल इनकम। सिमिलरली दोस्तों, कोई जैसे बहुत सारे मेरे पास आते हैं क्वेरीज, जो नौकरी वाले लोग होते हैं, सैलरी वाले, उनका आर्गुमेंट होता है कि मेरा तो एम्प्लॉयर ही टैक्स काट लेता है, TDS काट लेता है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं भरना है। लेकिन दोस्तों मैंने जैसा बताया कि आपको टैक्स बन रहा है भरना या नहीं बन रहा है, या आपका एम्प्लॉयर काट रहा है, आपको ये लॉ कहता है कि अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भले आपका टैक्स नहीं बन रहा है, फिर भी आपका अगर ग्रॉस टोटल इनकम ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, नहीं करेंगे तो आपको फाइन पेनल्टी जो है वो लगेगा। अब दोस्तों 2.5 लाख की छूट जो है वो है नॉन सीनियर सिटीजन, मतलब 60 साल से कम जिनकी आयु है,
60 साल या उससे ज्यादा है तो 3 लाख का छूट मिलता है, और सुपर सीनियर सिटीजन है मतलब 80 ईयर या मोर तो वो केस में 5 लाख। ठीक है, अब ये सीनियर सिटीजन और ये सुपर सीनियर सिटीजन में एक और कंडीशन है कि पर्सन हैज टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अगर वो रेसिडेंट है तो ही 3 लाख और 5 लाख का जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है। अब दोस्तों मान लीजिए आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, ठीक है, 31 जुलाई जो ड्यू डेट था उस समय वो टाइम तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आप जो मैंने बताया लास्ट डेट 31 मार्च है, ठीक है, आप फाइल कर सकते हैं, बट आपका लेट फाइलिंग फीस कितना लगेगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों लेट फाइलिंग फीस जो है ये सबके लिए है, सारे असेसी के लिए है। अगर मान लीजिए टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टैक्सेबल इनकम की, ठीक है, अगर टैक्सेबल इनकम यानी डिडक्शंस इन्वेस्टमेंट्स आपके माइनस करने के बाद अगर टैक्सेबल इनकम आपका 5 लाख तक है, ठीक है, तो आपको लेट फाइलिंग फीस लगेगा 1000 रुपीज अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं 31 दिसंबर के पहले। ठीक है, अगर मान लीजिए 31 दिसंबर तक नहीं फाइल कर पाए तो आप 31 मार्च तक कर सकते हैं, तो वो केस में भी आपका फाइन जो है लेट फाइलिंग फीस लगेगा 1000 रुपीज। मतलब अगर 5 लाख तक इनकम है तो आप लेट फाइल करेंगे तो दोनों केस में आपको लेट फाइलिंग फीस लगेगा 1000 रुपीज। बट अगर मान लीजिए किसी का इनकम 5 लाख से ज्यादा है टैक्सेबल इनकम, ठीक है, डिडक्शंस माइनस करने के बाद जिस पे आपको टैक्स निकलता है वो इनकम टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो आपको लेट फाइलिंग फीस लगेगी 5000 अगर आपने रिटर्न 31 दिसंबर के पहले भर दिया तो। ठीक है, 31 दिसंबर को नहीं भर पाए तो लास्ट डेट आपका 31 मार्च है, ठीक है, तो आपको लेट फाइलिंग फीस भरना पड़ेगा 10,000। ठीक है, मान लीजिए आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल में बताया ऊपर कि आपका मान लीजिए किसी मिस्टर बी हैं जिनका इनकम है सिर्फ 2 लाख रुपया, ठीक है, और कोई इनकम नहीं है, 2 लाख रुपया इनकम है, ठीक है, तो उनका ग्रॉस टोटल इनकम होगा 2 लाख और जो छूट की सीमा है वो है 2.5 लाख। ठीक है, तो उनका ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख के अंदर है तो उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिटर्न फाइल रेगुलरली करते हैं, बहुत सारे रीजन, कुछ किसी को वीजा चाहिए, किसी को आगे फ्यूचर में लोन लेना हो सकता है, या किसी को ऐसे ही मेंटेन करना है फाइल रेगुलर करते हैं तो करना है, भले उनको कंपलसरी नहीं है फिर भी लोग करते हैं और करना चाहते हैं, तो वो केस में गवर्नमेंट कहते हैं कि आपको लेट फाइलिंग फीस नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो वो केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको लेट फाइलिंग फीस नहीं भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करूंगा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइए कमेंट करके, अच्छा लग रहा है तो जरा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जो मैंने वीडियोस अपलोड करूंगा वो आप तक जल्दी से पहले सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।